अब हम देखेंगे गणित की भाषा क्या होती है और गणित पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो गणित की भाषा में पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत और सिद्धांत इत्यादि आते हैं। क्या क्या? पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत और सिद्धांत। जब भी बात आती है कि गणित की भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि हम इनके अंतर्गत प्रमुख पांच चीज़ों को रख सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे गणित में से भाषा जो होता है आपका, वो क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम। तो यहाँ जो गणित जिस माध्यम से शिक्षक से शिक्षार्थी तक जाती है, तो उससे क्या कहेंगे, गणित की भाषा। तो गणित की भाषा में जो पहला टर्म आता है वो क्या आता है, गणित का पद। तो पद क्या होता है ये भी आप जानते हैं, स्टेप्स जो होते हैं आपके, ठीक। दूसरा जो टर्म आता है आपका क्या होता है, प्रत्यय, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, गणित की भाषा होती है। तीसरा क्या होता है, जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, वो भी क्या होते हैं, गणित की भाषा होते हैं। फिर क्या होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, वो भी गणित की भाषा होते हैं। फिर क्या होता है, सिद्धांत जो होता है वो भी गणित की क्या होती है, भाषा के अंतर्गत आते हैं। पद के माध्यम से भी हम बालकों को क्या करते हैं, स्टेप के माध्यम से भी हम बालकों को गणित सिखाते हैं। मतलब हमारी जो मन की विचार होते हैं गणित के, वो हम बालकों तक ले जाते हैं स्टेप से, ठीक। दूसरा आपका जो चीज़ है, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत हमें उनको कॉन्सेप्ट, अगर हम वो चीज़ बताते हैं कि प्रतिशत का ये कॉन्सेप्ट है, तो बालक समझ जाएगा कि प्रतिशत क्या है। तो बीच का जो संप्रेषण था वो क्या है, उसका सिद्धांत जो संप्रत्यय था, और हम यहाँ से हमारे मन में जो प्रतिशत के प्रति भावना थी, वही हम बालकों तक भी पहुँचाते। तो ये क्या हुआ, संप्रेषण हुआ ना, तो ये क्या होता है, प्रत्यय भी गणित की भाषा के अंतर्गत आता है। फिर क्या, गणित के सूत्र, जैसे आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब जहाँ भी हम लिखेंगे और बालक को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता है, तो वो बालक क्या कहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, गणित की एक भाषा होती है। अब इसी में देखिए, ये क्या है, सिंबल है ए बी या प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट। जो संकेत होते हैं वो भी क्या, उनकी भी अपनी मीनिंग होती है, अपने इमोशंस होते हैं हमारे और आपकी तरह, और उन इमोशंस को शिक्षक से शिक्षार्थी तक ले जाया जाता है। इसलिए गणित की भाषा के अंतर्गत आपके संकेत भी आते हैं। इसके अलावा सिद्धांत जो होते हैं वो भी आपकी गणित की भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्न होते हैं। जैसे आपने देखा है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या, उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके पीछे सिद्धांत क्या होता है, आप देखिए कि अगर आपका ऐसे टर्म बना हुआ है तो आपको ये दिखेगा कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो क्या है, सिद्धांत है। लेकिन जब भी समकोण त्रिभुज आएगा तो ये एक सिद्धांत भी क्या होगी, उसके भाषा होगी। मतलब किसी जो किसी संप्रत्यय को व्यक्त करना ही, व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है, संप्रेषण जिससे होता है, और गणित को शिक्षक से शिक्षार्थी तक ले जाने में ये पांच प्रमुख ऐसे टर्म हैं जो भाषा के माध्यम होते हैं। अर्थात गणित की भाषा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत और सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि गणित पढ़ाने में कौन कौन सी हम शिक्षण की विधियाँ यूज़ करते हैं। तो गणित पढ़ाने में जो हम शिक्षण विधियाँ यूज़ करते हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनको आपको ब्रॉडली फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। एक एक करके हम पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में अध्ययन कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो जब तक इंट्रो नहीं होगा तब तक आपकी आगे की प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो गणित शिक्षण की विधियों की बात की जाए तो आपको पता है गणित एक ऐसा विषय है जो अमूर्त है, गणित शिक्षण। अब इसकी विधियों की बात करें तो जो इसकी विधियां हैं वो क्या करेगी, ऐसी विधियां कि जो गणित की भाषा को हमसे हमारे बच्चों तक ले जाए। अब यहाँ अपने बच्चों पर मत सेंस लीजिएगा, ये मेरे बच्चे जैसे आप हैं, अपने स्टूडेंट तक उनकी बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ गणित की जो शिक्षण की विधियाँ जो प्रमुख है वो हम जो एक एक करके अध्ययन करेंगे। ऐसे पहली है क्या, आगमन विधि। दूसरी क्या है,
निगमन विधि, फिर क्या है विश्लेषण विधि, फिर क्या है संश्लेषण विधि, ठीक। फिर पांचवी क्या है ह्यूरिस्टिक, या ह्यूरिस्टिक विधि आप जानते हैं। फिर इसमें कभी कभी प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट विधि। फिर डॉगमेटिक विधि, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक विधि है जिसका नाम आप नया नया सुनेंगे इसमें, जैसे जानते हैं प्रयोगशाला विधि। ये विधि अक्सर हम जब रेखा गणित पढ़ाते हैं तो उसमें यूज करते हैं कि किस प्रकार से हमें गणित को प्रयोगशाला में कराना। जैसे आप चीज़ें क्रॉप कराते हैं ना, कि बुक रहती है जो कलरफुल पेज होते हैं तो उसमें कट कराते हैं आकृतियाँ बच्चों से, कि ट्रायंगल है, ये स्पेयर है, और इस प्रकार की जो एक्टिविटी बेस्ड है जो प्रयोगशाला गणित की प्रयोगशाला में जो कार्य कराते हैं तो उसे हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो हमें अध्ययन करना है वह है डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रयोग निदर्शन विधि। प्रयोग निदर्शन विधि भी हम गणित में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बहुत वैसे थोड़ा बहुत जैसे एक्सप्लेनेशन में आप यूज़ करते हैं, क्या होता है व्याख्यान विधि। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हर चीज़ सिर्फ लिख के और क्वेश्चंस के माध्यम से हम नहीं करा सकते। ऐसे तो ये विधि नहीं है, एक और है आपका ड्रिल मेथड या अभ्यास, विधि में नहीं है लेकिन एक आपका टर्म होता है क्या जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में। जितनी आपकी गणित लगाने की क्षमता है उसकी स्पीड बढ़ाना और एक्यूरेसी बढ़ाना, उसमें अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो गणित शिक्षण में एक प्रभावशाली मेथड के रूप में आती हैं। आप असाइनमेंट में देते हैं कई बार इसमें कि हाँ गणितज्ञों के बारे में जैसे आपको देना है तो प्रोजेक्ट बनवाते हैं, सेमिनार्स होते हैं गणित के, तो वो बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ये आपकी कुछ प्रमुख विधियाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको इन विधियों को किस प्रकार पढ़ना है, तो आप जानते रहिए कि हमें अब इसके आगे से एक एक विधि का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपने यहाँ देखा कि आगमन विधि है, तो मैंने इसको इस पे वीडियो भी आपको मिला होगा, क्या विशिष्ट से सामान्य, फिर क्या है मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, इत्यादि कई इसमें शिक्षण के सूत्र होते हैं। तो जनरली हम आगमन के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हमें आगमन विधि से पढ़ाना हो गणित तब हम क्या करेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन की ज़रूरत है। जैसे ट्रायंगल पढ़ाना है तो तीन कोण दिए गए हैं और ट्रायंगल आपको पता है तो कैसे उसका प्रूफ करेंगे, तो वो दोनों मेथड से हो सकता है, वो आगमन से भी हो सकता है निगमन से, लेकिन आगमन से पढ़ाने का उसका तरीका अलग होगा और निगमन से अलग होगा। ऐसे संश्लेषण से आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, प्रमेय प्रूफ करना हो कई चीज़ें ऐसे भी आप यूज़ करते हैं, प्रयोगशाला में रेखा गणितीय आपके जो मेथड होते हैं वो यूज़ होते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं कि आप शिक्षण विधियों के नाम जान लिए या उसके बारे में जानते तो आप गणित पढ़ा लेंगे। यहाँ आगे से हमें इस प्रकार अध्ययन करना है कि गणित शिक्षण को के टॉपिक्स को एक ही टॉपिक को विभिन्न विधियों से कैसे पढ़ाया जाता है, ये मेन टास्क होता है। तब हम जानेंगे कि उसकी मेरिट और डीमेरिट क्या होती है। अब हमें मेरिट और डीमेरिट जानने की क्या आवश्यकता है आप सोचेंगे, तो वहाँ जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया रहता है, देखिए यहाँ आपको पास भी कराना है सिर्फ से यहाँ पर लेक्चर देके नहीं चले जाना, वो पर्टिकुलर कंडेंस जो कंडीशन जो दिया रहेगा बच्चे का कि ये स्थिति है इसको ऐसे सिखाना है, तो आप बताइए जब आपको ये नहीं पता कि वो उस विधि से गणित कैसे पढ़ाते तो आप कैसे बताएंगे कि ये विधि अच्छी है कि वो विधि अच्छी है, कि आप जानते हैं कि विधि से गणित शिक्षण में एक दो प्रश्न आपके आने एकदम कंफर्म होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कैसे। डायरेक्टली ऐसे नहीं देता लेकिन अच्छा शिक्षण विधि न देके उसकी कंडीशन दे देता कि इस प्रकार करेंगे, उदाहरण देके समझाएंगे, अभ्यास देके समझाएंगे। तो इसलिए आपको जानने की आवश्यकता है कि गणित को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड और किस प्रकार एक ही टॉपिक को कई मेथड से पढ़ाया जा सकता है।
इससे आपके लिए भी इजी रहेगा, ठीक है आपके सीटेट में काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप गणित पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो आप विभिन्न मेथड से पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कोई बच्चा किस मेथड से सीख रहा है, कोई बच्चा किस मेथड से सीख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें सीख लेंगे और आपका जो गणित पढ़ाने का लक्ष्य होगा वो पूरा हो जाएगा। और सच में ये बहुत ही खुशी की बात होगी कि आप जो किसी स्टूडेंट को दे सकते हैं आप वो चीज़ें 100% उस तक पहुँचा देंगे। और यही सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसके लिए आपको शिक्षण पढ़ाया जाता है कि ठीक है हमें पता है कि जोड़ते कैसे हैं, लेकिन उसको कैसे सिखाएंगे कि जोड़ते कैसे हैं, कि आप उंगली दिखा के एक और एक दो दिखाते हैं या डंडी दो दिखा के एक और एक दो दिखाते हैं, या क्या आप गिनती बुक पे दिखाते हैं, या आप एग्जांपल देते हैं कि हाँ 1 रुपए की टॉफ़ी 2 रुपए की, 1 रुपए की और टॉफ़ी, तो 2 रुपए लेता है तो बच्चा सीख जाता है। तो बहुत सारे आपके तरीके हैं यहाँ पे जिससे आप बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि एक एक विधि द्वारा गणित के विभिन्न प्रकरणों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है।